तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है इन्फिनिक्स का न्यू लॉन्च स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 35G स्मार्टफोन। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू। दोस्तों कई सारे कमेंट आ रहे थे कि इस स्मार्टफोन की जो है अनबॉक्सिंग की जाए, रिव्यू की जाए और इस स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए, तो आज की इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर की बात करें बॉक्स के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है इन्फिनिक्स हॉट 35G NFC सपोर्ट। यहाँ पर मिल जाता है आपको 16GB रैम और 128GB रोम। दोस्तों 16GB आपको इसलिए मिलते हैं, 8GB जो आपकी फिजिकल में मिलती है और 8GB जो आपकी वर्चुअल मिलती है। 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 120Hz का रेफ्रेश रेट मिल जाता है। दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले जो है हम इसका जो बॉक्स है बॉक्स को ओपन करते हैं। बैक साइड में भी कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स दी रहती है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों मेन चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि कई सारे स्मार्टफोन में यहाँ पर दिया रहता है, यहाँ पर आपको UFS जो है यहाँ पर 2.2 मेमोरी दी है, तो ये जो है आपका फास्टर ट्रांसफर स्पीड है, तो ये जो है काफी अच्छी चीज है यहाँ पर। अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको यहाँ पर बताते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बॉक्स को कर लेते हैं ओपन कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं बॉक्स को करता हूँ ओपन। अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका स्मार्टफोन। देखिए इन्फिनिक्स हॉट 35G यहाँ पर आपका जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को हम बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब दोस्तों सबसे पहले हम स्मार्टफोन के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बॉक्स में देखेंगे कि बॉक्स में हमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो यहां पर हम देखिए इसे रख देते हैं साइड में, स्मार्टफोन को रखते हैं साइड में। यहां पर इसे भी बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए आपको क्या मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको एडेप्टर मिलता है। एडेप्टर की बात की जाए तो दोस्तों आपका एडेप्टर काफी छोटा है और ये जो एडेप्टर है आपका 18V का है। दोस्तों इन्फिनिक्स कहता है आपका जो एडेप्टर है फास्ट चार्जर है, मतलब ये जो है फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। और दोस्तों 18V का आपका एडेप्टर है, 18V का आपका एडेप्टर है, लेकिन दोस्तों 18V का जो है आपका एडेप्टर फास्ट एडेप्टर नहीं हो सकता। यहाँ पर इसे भी साइड में रखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर और क्या देखें, तो यहाँ पर सबसे पहले डाटा केबल की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमें डाटा केबल मिल जाती है। इसकी क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो डाटा केबल की क्वालिटी है ठीक ठाक है, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा अच्छी यहाँ पर जो है क्वालिटी नहीं है। 18V के चार्जर के हिसाब से ठीक क्वालिटी दी गई है। और दोस्तों लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों थिकनेस की बात किया, थिकनेस थोड़ी कम दी गई है 18V के हिसाब से। अब इसे भी साइड में रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाती है टूल पेन। तो यहाँ पर देखिए पिन की बात करें तो आप पिन यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी जो पिन है आपको कैसी क्या देखने को मिलती है, काफ़ी छोटी मिलती है और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी अच्छी भी यहाँ पर मिलती है। जैसे कि फोकस करके यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप की यहाँ पर जो आपको पिन मिलती है। दोस्तों सारी चीज़ें साइड में रखते हैं। अब हमारा केस कवर यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें इनके बारे में, तो ये वही मिल जाती हैं आपको, पुस्तकें मिल जाती हैं, यूजर मैनुअल और गाइड आपको कुछ मिल जाते हैं, इन्हें भी साइड में रखते हैं। अब केस कवर हमें यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए अब केस कवर हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं केस कवर को निकालता हूँ बाहर। और दोस्तों केस कवर के बारे में बात करें, केस कवर हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें मिल जाता है केस कवर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर केस कवर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा एंगल, आप समझ ही गए होंगे कि आपको कैसा मिलने वाला है आपके स्मार्टफोन में। यहाँ पर बात की जाए तो आपके केस कवर के अंदर आपको यहां पर जो टेक्सचर मिलते हैं काफी हल्के टेक्सचर मिलते हैं, बाहर साइड से पूरा जो है आपका यहां पर जो है कि कोई भी आपको टेक्सचर यहाँ पर नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर इसे भी साइड रखते हैं। आपका जो केस कवर है काफ़ी यहाँ पर जो है स्मूथ है, काफ़ी मुलायम है आपका केस कवर। अब इसे भी साइड में रखते हैं। और दोस्तों बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। बात करेंगे हमारे स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों अब हम बात करें स्मार्टफोन के बारे में, तो सबसे पहले हमारा जो स्मार्टफोन है उसकी फिल्म को यहाँ पर करते हैं हम रिमूव। तो यहाँ पर हमारी जो फिल्म है यहाँ पर स्मार्टफोन की, इसे हमने रिमूव कर दिया है। अब दोस्तों बात करें सबसे पहले स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर मैं आपको स्मार्टफोन की कुछ शॉर्ट्स पर दे रहा हूं, तो आप ये शॉर्ट्स देख सकते हैं सबसे पहले कि लुक वाइज हमारा जो स्मार्टफोन है वो कैसा लगता है।
आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो स्मार्टफोन है यहाँ पर कैसा लुक में लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अब स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है उसे मैं कर लेता हूँ स्विच ऑन। तो यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है यहाँ पर स्विच ऑन होना स्टार्ट हो चुका है। जब तक हम बात करते हैं इसके बैक साइड के, इसके कैमरे की और ये इसके पोर्ट्स की कुछ जो यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है ऑडियो जैक मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको फोकस करके बता देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑडियो जैक मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है टाइप सी पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो बैटरी आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था। यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है और दोस्तों ऊपर साइड भी आपको यहाँ पर जो है स्पीकर ग्रिल मिल जाती है जैसा कि देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर मिलते हैं। अब यहाँ पर साइड की बात की जाए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको साइड में जो यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन बटन यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और दोस्तों इस साइड में आपको जो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों यहाँ पर बात करें बैक साइड की तो बैक साइड में आपको 50 MP का एक कैमरा मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो एक AI लेंस मिल जाता है। दोस्तों कैमरे की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे में एक अलग ही आपको यहाँ पर डिजाइन दी गई है, जैसे कि रिंग टाइप की यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिंग टाइप से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपका जो कैमरा है कैमरे के अंदर आपकी यहाँ पर जो है लाइट जल रही हो, लेकिन दोस्तों इसमें जो आपकी कोई भी लाइट नहीं चलेगी। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो कैमरा है थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर जो है बम्प टाइप का, यहाँ पर आजू बाजू से बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको बम्प टाइप का लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ से इतना बम्प नहीं, आपका कैमरा जो यहाँ से ज़्यादा बम्प हो रहा है। यहाँ पर आपको एक LED फ्लैश मिल जाती है, यहाँ पर क्वेड LED मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर बाकी ये कुछ भी नहीं है, ये आपको यहाँ पर एक डिजाइन दी गई है, जैसा कि यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको डिजाइन दी गई है। और दोस्तों इसमें जो है आपको अलग ही यहाँ पर जो है शाइनिंग देखने को मिलती है। ये हमारा कलर है, कलर की बात करें तो ये हमारा जो है एरोरा ब्लू है, इसमें आपको एक ब्लैक मिलता है जैसे कि इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन में आपको मिल रहा था। बाकी बैक साइड की बात करें दोस्तों आपका बैक साइड आपका जो है ग्लास बैक है, आपका प्लास्टिक नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका बैक जो यहाँ पर ग्लास बैक है प्लास्टिक नहीं है। बाकी शाइनिंग काफ़ी अच्छे यहाँ पर मार रहा है जैसा कि देख सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन की तरह। अब दोस्तों बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो हम बात करें इसकी जो डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें जो आपको 6.78 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, IPS डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें बात करें ब्राइटनेस के बारे में तो दोस्तों आपकी जो ब्राइटनेस है इसमें आपको 580 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। और दोस्तों 240 Hz का जो आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। यहाँ पर रिफ्रेश रेट की बात की जाए दोस्तों इसमें आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। दोस्तों कुछ चीज़ें आपको सेम जो इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन की तरह ही मिलती हैं। अगर आपने वो अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें सेटिंग में जाके कुछ और फीचर्स के बारे में बताता हूँ, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों माई फ़ोन में आता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें प्रोसेसर एंड्रॉयड वर्जन सारी चीज़ों के बारे में, तो इन्फिनिक्स हॉट 35G आपका स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड वर्जन आपको इसके अंदर 13 मिल जाता है। यहाँ पर CPU आप देख सकते हैं आपका जो प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 6020 का प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रंट कैमरा आपको 8 MP का मिल जाता है, 50 MP का आपको यहाँ पर रियर कैमरा मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो यहाँ पर रैम रोम है आप जो यहाँ पर 8GB आपको फिजिकल मेमोरी मिल जाती है और 8GB आपको एक्सपेंडेबल मिल जाती है, मतलब वर्चुअल मिल जाती है, और 128GB आपको रोम मिल जाती है। बैटरी की बात करें बैटरी काफ़ी शानदार दी गई है, 6000 mAh की बैटरी दी गई है। स्क्रीन की बात करें तो 1080x2460 आपको यहाँ पर जो है सपोर्टेड मिल जाती है। यहाँ पर देखिए आपको वही चीज़ आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 13 मिल जाता है, वही सारी चीज़ आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। अब दोस्तों इसमें हम जो है साउंड टेस्ट करके देखेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे, BGMI टेस्ट करके देखेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें जो आपको गेमिंग कैसी देखने को मिलती है, साउंड कैसा देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। अब दोस्तों बात की जाए इसके सिम कार्ड स्लॉट के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है। आप इस स्मार्टफोन में जो है 2 SIM और 1 कार्ड जो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफी अच्छे से वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए काफी फास्ट वर्क करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिंगर लगाता हूँ तो तुरंत यहाँ पर जो है इसका जो स्क्रीन है ऑन हो जाती है, लॉक खुल जाता है। दोस्तों हमारे जो स्मार्टफोन है हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो केस कवर है इसमें केस कवर लगा कर देखते हैं और आपको बताते हैं केस कवर इसका जो है कैसा लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर केस
केस कवर लगा दिया है, तो केस कवर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। काफी अच्छा केस कवर है, एकदम फिट बैठ जाता है। यहाँ पर आपको जो है आगे से सपोर्ट हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों स्क्रीन गार्ड की बात करें तो इसमें आपको टेम्पर ग्लास नहीं मिलता है, इसमें आपको स्क्रेच गार्ड यहाँ पर जो है साथ में लगा हुआ आता है। तो अब हम जो है इस स्मार्टफोन में साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि इस स्मार्टफोन में जो है केसेस क्या साउंड क्वालिटी आती है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉन्ग को प्ले। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो साउंड है यहाँ पर ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी क्या है। दोस्तों आपको कैसी लगी इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दियो, चैनल अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसी नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।